Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। और सबसे बड़ा मुद्दा में जो हम विषय लेकर आए हैं वो है कुलभूषण जाधव से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरह से छाया हुआ है। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं कि किस तरह से वो जाधव को बचा सकती है भारत सरकार, और पाकिस्तान जो है किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाकर उसे जासूस घोषित करने में जुटा हुआ है, बल्कि फांसी की सजा इस वक्त सुना दी है। क्या ऑप्शन बचते हैं भारत सरकार के पास, इसको समझेंगे। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, इस पूरे विषय की गंभीरता को और इसकी बारीकियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामहित नंदन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये पूरा जो विषय है अब बहुत गंभीर हो चुका है, क्योंकि मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं जाधव को बचाने के लिए। ये जो पूरा खेल चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये मोदी वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री का खेल है। मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है नवाज शरीफ की, उसके साथ किसी तरह से रابطہ कायम किया जाए, संबंधों में स्थिरता लाई जाए, दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित की जाए, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो या तनाव बढ़े जी। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी कोशिशें एक के बाद एक, उन्होंने बहुत संजीदगी से कोशिशें की लेकिन वो नाकाम हो गए। और इसके पीछे खेल किसका रहा? ISI का। और खेल किसका रहा? मिलिट्री का। अब जानते हैं कि जो ISI है वो वहाँ की स्पाई एजेंसी है मिलिट्री की, तो इनका खेल रहा। अब ये पूरा का पूरा खेल पाकिस्तानी मिलिट्री बनाम मोदी का हो गया है। अब तो मैं इसको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ कि कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार उठाया गया और लाकर के उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई बलूचिस्तान में। जो पाकिस्तान में जर्मनी के राजदूत थे और जो पाकिस्तान में ईरान के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये बात कही कि ये बंदा ईरान में व्यापार करता था, लेकिन इसको पकड़ा गया वहाँ से। और पकड़ा किसने? तालिबान ने। और फिर तालिबानियों ने पैसे लेकर के इसको बेचा मिलिट्री को, पाकिस्तानी आर्मी को। और ये लोग, इन लोगों ने इसकी गिरफ्तारी दिखाई बलूचिस्तान में। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देता है। तो पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि भारत भी बलूचिस्तान में दखल देता है। तो ये जो कुलभूषण जाधव है, इसको एक दखल, मतलब एक सबूत के तौर पर वो पेश करते हैं दुनिया के सामने कि देखिए, हम कहते थे और हमने आपके सामने सबूत रखा है कि भारत बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहा है और भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। यानी ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी, जो कि छुपकर इस तरह के काम करती थी, आतंकवाद को शह देती थी, अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबको पता लग गया है कि पाकिस्तान की आर्मी ही जो कुछ करवाती है, जो भी षड्यंत्र रच रही है भारत के खिलाफ, वो पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हो गया। लेकिन इसको देखा किस तरह से जाए इस पूरे मुद्दे को, कि जाधव को लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी बात को साफ कर दूं कि ये कहना सरासर गलत होगा कि पाकिस्तानी आर्मी पर्दे के पीछे से खेल करती थी। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार दोनों भीख चढ़ी हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सरकार को कितनी सूचनाएं देती है, कितनी नहीं देती। लेकिन आप इसको मजबूरी कहिए या सहयोग कहिए या समझौता कहिए, जो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार है वो पूरा सहयोग करती है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। बिल्कुल, करना पड़ता है, सहयोग करते हैं, करना पड़ता है, मुझे लग रहा है। देखिए, जो हम भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी संगठन काम करते हैं बड़े बड़े, चाहे वो लश्कर ए तौबा हो, चाहे और भी दूसरे हैं, उन सबके मुख्यालय पंजाब में है। और पंजाब में किसकी सरकार है? पाकिस्तान पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है। और मुख्यमंत्री कौन है? नवाज शरीफ का छोटा भाई शहबाज शरीफ जी। लेकिन अगर हम जाधव की बात करें तो अब क्या ऑप्शंस, क्या चीजें रह जाती हैं जो जाधव के लिए की जा सकती हैं? क्योंकि लगातार मोदी की छवि को भी लेकर है कि हाँ, अब कहीं ना कहीं जिस तरह की बात सुषमा स्वराज ने, जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, तो अब क्या लगता है कि इतना आसान होगा कि हमने जो कह दिया उसमें किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा, और कैसे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो पूरा मामला है पाकिस्तानी मिलिट्री बनाम मोदी का हो गया है। अब ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने मोदी को चुनौती दी है,
इसको आप समझ लीजिए बिल्कुल साफ साफ। अब भारत की विदेश मंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने संसद में कहा है कि ये जो भी किया है पाकिस्तान ने गलत किया है और हम अपने नागरिक को छुड़ाने के लिए जिस भी सीमा तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। लेकिन देखिए अभी क्या है कि सीमा एक बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, पहले हम ये देखें कि अभी हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प ये मौजूद है कि हम वहाँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन के अंदर अंदर हम वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, 40 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर अपील कर सकते हैं। जी। दूसरा उसके बाद है कि क्लेमेंसी पिटीशन, जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति है उसके यहाँ दया याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी क्या है, बड़ी परेशानी ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने सिर्फ 3 सिटिंग्स में उसको अब आतंकवादी और जासूस सब घोषित कर दिया और उसको कोई वकील नहीं था। जब लोगों ने पूछा वकील कौन था तो उन्होंने कहा कि हमारे मिलिट्री का एक छोटा मोटा ऑफिसर था, वो उसका पक्ष रख रहा है। लेकिन अब लाहौर बार एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हम कोई भी वकील अगर केस लड़ता है तो एक्शन उसके खिलाफ होगा। देखिए अब ये भी इसमें भी एक पेच है कि लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा कि मिलिट्री वालों ने उनको धमकाया। भाई खेल है ना। तो बहरहाल अभी भारत ने अभी तक 14 बार काउंसलर एक्सेस मांगी है पाकिस्तान सरकार से। काउंसलर एक्सेस मतलब हमने कहा है कि भाई हमारा जो काउंसलर है पाकिस्तान में उसको उनसे मिलने की इजाज़त दो। आप कहते हो कि हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे पास जाधव का है, लेकिन अब वो उसको दबाव में वो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, उसको केमिकल दे करके, उसको किसी तरह के सेडेटिव्स दे करके उससे स्टेटमेंट लिया गया, उसे अपनी मर्जी से दिया गया, कुछ नहीं अभी क्लियर है। जब तक भारत का उचित अधिकारी या भारत का कोई सम्मानित वकील या भारत की सरकार से गया हुआ कोई प्रतिनिधि वहाँ पर जा करके उसे नहीं मिलता और उसके पूरे हालात को नहीं जानता, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि क्या था। और हमने ये भी देखा है कि उसका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो बहुत एडिटेड है, तो उसमें चीज़ों को कहीं से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा। बिल्कुल। और आपने ये कह दिया जी कि जो मिलिट्री की अदालतें उसमें कन्फेशन को हम गुनाह मानते हैं, कुबुलनामे को गुनाह मान लिया हमने और उसको फांसी की सजा दे दी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि जो कुलभूषण है वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, वो भारत का नागरिक है। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिनको हम जिनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये कहा जाता है, उसका ये प्रावधान है कि अगर कोई विदेशी नागरिक के ऊपर आपको मुकदमा चलाना है तो आप उसको मिलिट्री अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते, उसको आपको सिविल अदालत में चलाना पड़ेगा, खुले में चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो सरकार है जिस देश का वो नागरिक है उससे बातचीत करनी पड़ेगी आपको। भारत सरकार ने जब उनसे कहा कि हमें काउंसलर एक्सेस दो, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि आप पहले ये मानो कि वो जासूस है आपका। तो हम कोई किसी की सशर्त बात नहीं मान सकते ना। बिल्कुल। कि आप हम कहोगे कि हम काउंसलर एक्सेस तब देंगे जब आप पहले मान लो कि वो गुनहगार है, ऐसे कैसे हो जाएगा। यानी जाधव को लेकर जितने भी चीज़ें हैं पाकिस्तान जितने झूठे आरोप लगा सकता है, और आर्मी की अदालत में चूंकि उसका मुकदमा नहीं चलना चाहिए था, सिविल अदालत में चलना चाहिए था, कानूनों का एक तरह से सरेआम उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब विकल्प क्या बचते हैं ये भी रामहित जी ने बताया। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को हम ये भी इस परिदृश्य में समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें चल रही हैं वो आखिर क्या है, जाधव की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। रामहित जी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आखिर जाधव की जो गिरफ्तारी हुई है और पाकिस्तान जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। देखिए, एक मकसद तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि भारत बलूचिस्तान में गड़बड़ी फैला रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान में दिखाई गई और ये प्रचारित किया गया कि इसका पूरा नेटवर्क था, ये इसके बहुत सारे साथी थे। अभी आपने देखा कि 3 लोगों को इन्होंने और गिरफ्तार किया जी। अब ये धीरे धीरे अपनी कहानी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को क्रेडिबल दिखाने की कोशिश। तो क्या लगता नहीं कि अब इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हरकतें पाकिस्तान की तरफ सीखी जा रही हैं, उससे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध एक मधुर होते नजर आ रहे थे, तो वो एक बार फिर से खटाई में पड़ गए हैं, फिर से हम उस स्थिति में पहुंच गए कि कहीं ना कहीं तनातनी फिर से चालू हो जाएगी। देखिए, अगर सही अर्थों में पूछा जाए तो संबंध तो मधुर थे नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की जो सिविल सरकार है वो भारत सरकार से बातचीत करे। आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे रक्षा और विदेश मामले जो हैं वो वहाँ के मिलिट्री ने अपने हाथों में ले रखे हैं। अगर वहाँ पे विदेश मंत्रालय से कोई बयान आता है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है वहाँ पर कि जो विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालयों की बैठकें हैं वो जो रावलपिंडी में मिलिट्री का हेडक्वार्टर है वहाँ पर हुई हैं,
तो जो भी बयान आते हैं वो सब मिलिट्री की तरफ से आते हैं, तो संबंध तो कभी सामान्य नहीं थे। हाँ, संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की गई थी जो कि सफल नहीं हुई। अगर हम बात करें साउथ और सेंट्रल एशियन की जो राजनीति है उसको किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊँ, चीन सीधे सीधे इन्वॉल्व है। चीन ने एक परिकल्पना की कि वो एक सीपैक बनाएंगे, यानी चाइनीज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। और उस पूरे कॉरिडोर का मकसद क्या है? कॉरिडोर का मकसद ये है कि चीन को अरब सागर में एक्सेस चाहिए। जी। तो अरब सागर में अगर वो खुद घूम कर के आएगा तो पूरा घूम के उसको एशिया आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाया पाकिस्तान वो सीधे आ सकता है। अब क्योंकि चीन को सुविधाएँ देनी है, देखिए आपको मैं याद दिलाऊँ, बहुत पहले पाकिस्तान ने, हम कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, पाकिस्तान ने उस कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चीन को इनाम में दे दिया, भेंट में दे दिया। उसके बाद अब पाकिस्तान, अब चीन कह रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान से वो सीपैक चलेगा और ग्वादर पोर्ट तक जाएगा अरब सागर में। तो गिलगित बाल्टिस्तान को भारत सरकार कहती है हमारे हिस्से हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन के दबाव में कहिए या इसको जो भी कहिए, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की कि हम गिलगित और बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा बना लेंगे, अपना पांचवा राज्य बना लेंगे। तो भारत को इस पर एतराज़ है। फिर आप आइए नीचे, वो जो पूरा सीपैक चलता है वो नीचे जाकर के ग्वादर पोर्ट पे ख़त्म होता है। अच्छा। अब ग्वादर पोर्ट कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, वहाँ पर बलूची लोग जो कहते हैं कि उन्होंने, पाकिस्तान ने 1948 में हमारे ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा किया, तो हम इनका कब्जा नहीं मानते, हम एक अलग देश अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी चीन बैठा हुआ है। तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर कराकोरम मार्ग से लेकर के और नीचे तक चाइना बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी कवायद है, ये कोशिश की जा रही है कि भाई आप चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत को धमकी दे रहे हैं। यानी ये ज्यादा उसी केस में लेकर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो इसमें देखिए, उसमें आप जो आप विकल्प की बात करते हैं उसमें ये है कि आप जो पिटीशन दायर करिए, या आप सीधे जाकर के हमला कर दीजिए, या है कि फिर आप कुछ लेन देन करिए। तो अभी इसी इस स्थिति में कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन अगर जाधव जैसे मुद्दों की अगर बात करें, तो या फिर हम मोदी की नीतियों की बात करें, मोदी सरकार की नीतियों की, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था उसके बाद की स्थिति देखिए, कितने जवान हमारे जवानों को ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर कोई कूटनीति या कोई रणनीति करते हैं तो क्या आप उससे पहले सोचते नहीं हैं कि हाँ इसके पीछे अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आते हैं यहाँ पर, और जिनको सिर्फ एक ही काम करना है कि वो मौत को गले लगाना है और कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे जवानों को सुरक्षा करना होता है। उस समय भी ऐसे वाकयात पैदा हुए थे, वाकये आए थे जब हमारे जवानों का सिर काट कर वो ले गए थे, तब ये कहा जा रहा था कि हम इतने सिर लेकर आएंगे। देश के अंदर जो माहौल बनता है, आज जाधव को लेकर भी जो देश के अंदर माहौल बना वो एक अलग माहौल है। चाहते हैं कि हाँ आप कोई ना कोई फैसला होना चाहिए, लेकिन क्या ये फैसला भारत सरकार के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को अपनी पहचान बनानी है और बनाई भी है। यूएन ने साफ कर दिया कि इस तरह के मामले में वो दखल नहीं देगा, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की बात करते हैं। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जाएगा, ये आप निश्चित मान के रखिए। भारत इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा, लेकिन भारत ये ज़रूर कहता है कि ये पूरा मामला, क्योंकि कुलभूषण जाधव भारत का हिस्सा है, भारत का नागरिक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से इसका फैसला होना चाहिए। जी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारत में करीब 27 पाकिस्तानी जासूस इस समय जेलों में बंद हैं। भारत सरकार उन पर खुला मुकदमा चला रही है, पाकिस्तान सरकार को बताया गया कि हमने तुम्हारा आदमी पकड़ा, ये सारी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। यही नहीं, अगर आप कश्मीर में देखो तो हुर्रियत वाले क्या हैं, तो पाकिस्तानी जासूस हैं, दलाल हैं, उनसे पैसा वहाँ पे आता है हवाले के जरिए, उनके पूरे ISI के वहाँ पे ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, सारी एजेंसियाँ उनकी खुली हुई हैं, और वो पूरा का पूरा वहाँ पर एक बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के पास भी, अगर उनके पास एक कुलभूषण जाधव है, तो हमारे पास भी उनके 27 लोग हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए, हुर्रियत वाले भी हैं अभी तो भारत सरकार। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की सेना ने 3 सुनवाई की, उसके बाद सज़ा सुना दी। हमारे यहाँ कसाब को पकड़ा गया, और लेकिन कितने सालों तक उसको एक वकील भी मुहैया कराया गया, सालों साल उसकी रखवाली भी की गई, लेकिन उसके बाद कर नतीजा क्या निकला?
देखिए यही अप्रोच का फ़र्क है। हम ये कहते हैं कि हम अगर किसी देश का कोई नागरिक हमारे यहाँ पकड़ा जाता है तो हम उसके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से मुकदमे लगाएंगे, उसको जो सज़ा देनी है वो अकॉर्डिंगली दी जाएगी, और जिस देश से वो आया है उसको उसके बारे में बता करके तब हम कुछ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और डर है लोगों के मन में कि ऐसा ना हो कि जाधव का भी हाल वही हो जो सर्वजीत का हुआ था, और ये पब्लिकली जब लोगों से भारत की देश की जो जनता है उससे बात की गई तो उन्होंने कहा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि जाधव का भी वही हाल हो जो सर्वजीत का हो, इसलिए भारत सरकार को अपनी कोशिशें और तेज़ करनी चाहिए। अभी क्या है, कुछ लोग एक नई थ्योरी चला रहे हैं, अब ये कहाँ तक ठीक है कि नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक कर्नल भारत ने भारत नेपाल सीमा से पकड़ा, जिसके जवाब में ये कुलभूषण जाधव का कांड हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो बंदा था जो कर्नल था उसे कुलभूषण जाधव को पकड़ने में और पूरी ये जो खेल ये जो पूरा मामला बनाया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा एक कर्नल हमारे पास है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक नजम सेठी वहाँ के बड़े मशहूर पत्रकार हैं, मैं उनका एक कार्यक्रम देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मामला अंत में लेन देन में सेटल होगा, कि दोनों देशों में दोनों देशों के सो कॉल्ड जासूसों को सजा सुनाई जाएगी और दोनों वहाँ 14-15 साल तक जेल में सड़ेंगे और उसके बाद उनकी अदला बदली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी गई है। फांसी की सज़ा सुनाई गई है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक बाकी है। अभी वहाँ का जो राष्ट्रपति है वहाँ पर दया याचिका दायर करने की जो अभी विकल्प बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो चर्चा का विषय था तो जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या कुछ कर पाएगा, क्या जाधव को बचा के भारत सरकार ला पाएगी और इसके पीछे का खेल क्या है, किन बातों पर समझौता होगा। उम्मीदें सबकी यही हैं कि जाधव किसी ना किसी तरह वापस आ जाए, लेकिन क्या भारत सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी ये देखना होगा। तो खास मुद्दे में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India.